हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, कैसे हो यार? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मल्टीप्लेयर गेम्स के बारे में, यानी कि वो सारे के सारे गेम जो कि आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए खेल सकते हो, या पूरे वर्ल्ड में किसी भी प्लेयर के साथ आप लोग ये गेम खेल सकते हो। और तो काफी ज्यादा ये शानदार से और मजेदार से सारे के सारे गेम्स होने वाले हैं। सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि शुरू करने वाले हैं हम आज का वीडियो। नंबर फर्स्ट में हमारे पास है मास गन। अब दोस्तों मास गन एक FPS स्टाइल का गेम होने वाला है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे गोलाबारी करनी है और एक दूसरे को मारना है। लेकिन यहाँ पे ये बात इसकी काफ़ी ज़्यादा सही है कि एक स्मॉल साइज में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप लोगों के पास लो एंड डिवाइस है या कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें आप लोग पबजी वगैरह नहीं खेल सकते, लेकिन आप खेलना चाहते हो कि भाई साहब कोई ऐसा गेम हो बैटल रॉयल जो कि मैं खेल सकूँ, तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा मस्त है आप लोगों के लिए। तो गेम का साइज यहाँ पे होने वाला 125 MB और ऑनलाइन तो होगा ही यार। नंबर सेकंड पे निकल के आता है हमारे पास एक्सट्रीम फुटबॉल। अब दोस्तों ये गेम होने वाला है ऐसा, यानी आप लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर फुटबॉल खेलने वाले हो। यहाँ पे आप लोग 3 प्लेयर होंगे, 3 आपकी टीम के और 3 सामने वाले की टीम के, यानी कि 2 टीम होंगी और 3-3 प्लेयर होंगे। और आप लोगों को एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा जिस टाइम के अंदर जो सबसे पहले जितने ज्यादा गोल कर लेगा वही जीतेगा। तो काफी ज्यादा एक अच्छा गेम है, काफी ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे और गेम प्ले स्टाइल तो भाई सब धांसू है, यानी कि आप लोग खेलोगे तो मजा आएगा आप लोगों को। गेम का साइज यहाँ पे 415 MB होने वाला। नंबर थर्ड पे निकल के आता है बैटल डर्बी। अब दोस्तों आप लोग कह सकते हो ये रॉकेट लीग टाइप का गेम होने वाला है जिसमें गाड़ियों ने आपस में एक दूसरे को खत्म करना है, लेकिन पूरा का पूरा वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इस गेम में होने ही वाला है कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलके गाड़ियां चलाओगे, लेकिन मामूली गाड़ियां नहीं होने वाली भाई साहब, उसमें लगे होंगे रॉकेट, मिसाइल लॉन्चर, गोलियां, भाई साहब बहुत कुछ वहां पे होगा। आप लोगों ने एक दूसरे की गाड़ियों को उड़ाना है और खत्म करना है, यानी कि जो प्लेयर लास्ट तक बच जाएगा वही जीतेगा इस गेम को। तो आप लोग कह सकते हो एक कार की बैटल रॉयल गेम है। आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट वेपन्स भी देखने को मिलेंगी और डिफरेंट कार तो है ही है। तो गेम का साइज यहाँ पे 160 MB है और भाई साहब बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है। नंबर फोर्थ में निकल के आता है हमारे पास हाइड एंड सीक ऑनलाइन। अब ये गेम मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, क्योंकि इस गेम में होने कुछ यूँ वाला है कि 2 टीम होंगी, एक आपकी टीम और एक सामने वाले की टीम। अब जो भी टीम आप लोग चूज़ करोगे उनमें से एक टीम होगी प्रॉप्स की और एक टीम होगी ढूंढने वालों की। आप लोगों को समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ भाई साहब। यानी कि एक टीम जो होगी उसके पास ये पावर होगी कि वो किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है, वो पेंसिल शार्पनर रेजर बुक किसी भी चीज़ में वो कन्वर्ट हो सकती है, यहाँ तक कि आप लोग एक झाड़ू भी बन सकते, बैड जोक। लेकिन आप लोग किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो और जो बाकी दूसरी साइड की टीम होगी उसको ढूंढना है कि इन ऑब्जेक्ट्स में से प्लेयर कौन सा है। तो अगर आप लोग प्रॉप्स हो तो आप लोगों को छुपना है, और अगर आप लोग फाइंडर हो तो आप लोगों को सबको ढूंढना है। तो गेम का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है और भाई साहब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। गेम का यहाँ पे साइज होने वाला है 112 MB। दोस्तों नंबर 5 में हमारे पास रैक रूम। अब इस गेम के बारे में मैं क्या ही कहूँ भाई, यानी कि ये एक गेम में ही इतनी सारी गेम्स इन लोगों ने डाल दी हैं कि मैं बताने बैठूंगा तो लिस्ट ही नहीं खत्म होगी। यानी कि आप लोग इस गेम में बैटल रॉयल गेम्स खेल सकते हो, आप लोग इसमें अमंग अस खेल सकते हो, आप लोग इसमें गाड़ियां चला सकते हो, आप लोग अपने दोस्तों के साथ मिलके पूरा ओपन वर्ल्ड एरिया घूम सकते हो। डिफरेंट रूम्स हैं इस गेम में जिनमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आप जाके डांस भी कर सकते हो, आप जाके कुछ भी इस गेम में कर सकते हो यार, लिटरली कुछ भी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप के मिशन भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आप लोग कर सकते हो। और साथ ही साथ इस गेम की सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद आई है वो ये है कि इसमें वॉइस चैट का ऑप्शन भी है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ बातें भी कर सकते हो साथ साथ। तो गेम का साइज यहाँ पे होने वाला है दोस्तों 1.5 GB, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन मज़ा आया गेम में। नंबर 6 पे हमारे पास बैटलफील्ड मोबाइल। अब ये EA स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला एक और बहुत ज़्यादा फाड़ बैटल रॉयल गेम तो नहीं लेकिन TDM गेम है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप के ग्राफिक्स देखने को मिल रहे होंगे और आप लोगों को फर्स्ट पर्सन शूटिंग का ये गेम देखने को मिलेगा। आप लोगों ने इसमें TDM मैच खेलने हैं, यानी कि टीम डेथ मैच खेलने हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वेपन्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी का TDM खेला तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कैसा गेम होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी ये प्री रिलीज है गेम, यानी पूरा रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन जब ये रिलीज़ होगा तो काफ़ी ज़्यादा और भी अच्छे ग्राफिक्स इसके बना दिए जाएंगे। फिलहाल तो गेम का साइज है 792 MB, और अगर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप लोगों को इसका अल्फा वर्जन देखने को मिल जाए तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 7 पे निकल के आता है हमारे पास फॉग। अब ये भी एक तरह का बैटल रॉयल गेम होने वाला है, लेकिन इसका स्टाइल बहुत ही ज़्यादा यूनिक और कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अलग है। यानी कि आप लोग एक आइलैंड पे उतरते हो जहाँ पे कोई भी नहीं होने वाला है, मजाक कर रहा हूँ। आप लोग एक आइलैंड पे उतरते हो जहाँ पे पूरे का पूरे आइलैंड में वेपन्स ही वेपन्स फैले हुए हैं। आप लोगों ने अपनी मर्जी से वेपन्स को कलेक्ट करना है और देखना है कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड वेपन कौन सा है जिससे आप सबकी बैंड बजा सकते हो।
तो आप लोगों ने वो वाला वेपन ढूंढना है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स और मॉन्स्टर भी मिलेंगे जिनसे आप लोगों ने बचना है और उनको मारना है। और साथ ही साथ 20 प्लेयर्स भी होंगे, यानी कि आप लोगों के 20 और अपोनेंट्स भी होंगे जिनको आप लोगों ने मारना है और लास्ट मैन स्टैंडिंग करना है ताकि आप लोग गेम जीत सको। काफ़ी ज़्यादा मजे का कॉन्सेप्ट है यार, एक दफ़ा ट्राई करने में तो क्या ही जाता है। गेम का साइज़ भी छोटा था, यानी 150 MB में आपको गेम देखने को मिल जाएगा। नंबर 8 पे निकल के आता हमारे पास ग्रेविटी ब्रॉल। अब दोस्तों ये एक 2D टाइप का गेम होने वाला है, लेकिन ये एक बैटल रॉयल गेम होने वाला है, यानी कि इस गेम में कोई ग्रेविटी का काम ही नहीं, यानी कि फिजिक्स निकाल दो। जैसे कि तमिल मूवीज में फिजिक्स का कोई रोल नहीं होता, वैसे इस गेम में भी फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा कि आप लोगों के पास गन्स हैं, वेपन्स हैं, और आप लोगों ने एनिमी से फाइट करनी है, और जैसे ही आप गोली भी चलाते हो तो आपका कैरेक्टर खुद भी मूव हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है ना भाई। तो काफ़ी ज़्यादा वो एक फनी सा गेम प्ले बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है भाई आप लोगों की। ऐसे गोली चला रहे हो और आपके अपोनेंट भी गोली चला रहे हैं, तो वो दोनों गोलियां आपस में लग के कैंसिल हो जाती हैं भाई साहब, क्या ही कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट टाइप के वेपन भी हैं और साथ ही साथ 9 डिफरेंट टाइप्स के मोड भी हैं इस गेम में, 9 डिफरेंट मोड जो कि आप लोग खेल सकते हो। गेम का साइज छोटा सा है यार, बिल्कुल छोटा सा, 84 MB का गेम है यार, और क्या चाहिए गेम से यार, इतना सब कुछ तो दे रहे हैं वो। तो दोस्तों अब निकल के आता है अपने लिस्ट का नंबर 9th गेम, लेकिन उस पर जाने से पहले ये कहूँगा कि भाई साहब अगर अभी तक वीडियो देखा और लाइक नहीं किया तो क्या कह रहे थे यार, जल्दी कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को नहीं किया अभी तक तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, और साथ वाला घंटी का आइकन दबा दो और नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दो। यार कसम से पैसे नहीं लगते, 1 रुपया भी तुम लोगों का लगे ना तो मेरे से ले लेना आके, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो अब निकल कर आता है हमारी लिस्ट का नंबर 9th गेम, जो कि है आफ्टर ब्रीड। अब दोस्तों ये एक ऑनलाइन कोऑप एक्शन सर्वाइवल गेम होने वाला है, जहाँ पे आप लोगों ने सर्वाइव करना है अपने दोस्तों के साथ मिलके। एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड एरिया आप लोगों को दिया जाता है, जो कि है एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड, यानी कि आप लोग पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में हो, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के मॉन्स्टर्स क्रिएचर्स हैं और आप लोगों ने उन सबको मारना है, उन सबसे बचना है, सर्वाइव करना है। और जब भी आप किसी क्रिएचर को मारोगे तो उसके अंदर से आप लोगों को डिफरेंट रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उनको आप लोगों ने कलेक्ट करना है, अपने वेपन्स को इनहैंस करना है, अपने करेक्टर को अपग्रेड करना है, और भाई साहब शेल्टर बनाने और बचना है। 1.5 GB का ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा गेम, जल्दी से कर दो डाउनलोड। तो दोस्तों अपने लिस्ट के हम निकल के आ गए लास्ट गेम, यानी नंबर 10 का गेम, जो कि है पोकेमोन यूनाइट। अब आप लोगों को इस गेम के बारे में पहले से ही शायद पता हो, क्योंकि पोकेमोन की फ्रेंचाइज इतनी बड़ी है भाई साहब, एकदम से नाम निकल के आ जाता है पोकेमोन यूनाइट। ये भी हाल ही में रिलीज हुआ है गेम और काफ़ी धूम मचा दिया इस गेम में। ये एक बैटल एरिना टाइप गेम होने वाला है, जिसमें 2 टीम्स होंगी और आधा आधा मैप दिया जाएगा दोनों टीम्स को। दोनों टीम्स में 5-5 प्लेयर होंगे और उन प्लेयर्स ने करना ये है कि सामने वाली टीम के एरिया में घुस के नॉन प्लेएबल करेक्टर्स को, यानी कि जो पोकेमोन इधर उधर घूम रहे होंगे जो कि रियल प्लेयर नहीं होंगे, उनको मारना है और पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, और सामने वाली टीम के एरियाज पे जाके कब्जा करना है, यानी कि सामने वाली टीम के कंट्रोल पॉइंट्स पे जाके आप लोगों ने अपना कब्जा कर लेना है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिले। तो गेम का साइज यहाँ पे होने वाला है 1.5 GB, और भाई साहब इतने मजे के साथ अब 1.5 GB तो बनता ही है। तो बस दोस्तों ये थी वो 10 की 10 गेम जो कि आज की वीडियो में मैंने आप लोग को बताई थी। पर रुक जाओ, अभी वहीं पर रुक जाओ, उस बैग के बटन से हाथ हटा लो, अभी हमारे पास है बोनस गेम्स। तो आज की वीडियो तो आज के लिए इसकी नंबर 1st पे बोनस गेम निकल के आता है ग्रैंड क्रिमिनल ऑनलाइन। अब अगर आप लोगों ने GTA 5 का RPG मोड देख रखा है तो आप लोगों को इस गेम के बारे में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल वही सेम गेम है GTA 5 का RPG मोड। आप लोगों ने ऑनलाइन होके अपने दोस्तों के साथ और पूरी दुनिया के लोगों के साथ मिलके आप लोग ये गेम खेल सकते हो। ग्लोबली रिलीज नहीं हुआ, तो अगर आपकी कंट्री में अवेलेबल है तो खेल सकते हो। 700 MB इस गेम का साइज होने वाला है और ऑनलाइन तो होगा ही। नंबर 2nd बोनस गेम है हमारे पास प्रोजेक्ट T3। अब इस गेम में आप लोगों को देखने को मिलेगा बैटल रॉयल वाला मज़ा, यानी कि आप लोगों के यहाँ पे 3 प्लेयर्स होंगे और सामने वाली टीम के भी 3 प्लेयर होंगे, और आप लोगों को कुछ टाइम दिया जाएगा, और उस टाइम के अंदर जो टीम जितने ज़्यादा प्लेयर्स मार लेगी वही जीतेगी। गेम का यहाँ पे ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और कंट्रोल्स भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हैं भाई, तो गेम खेलने में आप लोगों को मज़ा आएगा। गेम का साइज यहाँ पे होने वाला है 600 MB, तो जल्दी से कर लो डाउनलोड। तो बस ये थे आज के सारे गेम जो कि आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताए थे। ऊपर तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो जल्दी कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को नहीं किया अभी तक तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, और साथ जो घंटी का आइकन है यानी कि बेल आइकन, उसको प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो सारे के सारे नोटिफिकेशन। तो बस मेरा नाम है रबील, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय यानी गुड।